नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पावर बोर्ड का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, मैं इस पावर बोर्ड में आपको ऐसा कनेक्शन बताऊंगा कि आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कोई से भी पावर बोर्ड का कनेक्शन जिसमें 2 स्विच हो या 1 स्विच हो या 2 5 इंच सॉकेट हो या कुछ भी हो, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे YouTube चैनल में नए हैं, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक 5 इंच सॉकेट और एक 1 वे स्विच जो पावर का होता है, उसका कनेक्शन किस प्रकार करें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये पावर बोर्ड है, ये जो ओपन फिटिंग होती है घरों में या दुकानों में, ओपन फिटिंग होती है उसमें ये बोर्ड लगता है। इसका बॉक्स ये रहा, जो बोर्ड लगता है इस प्रकार लगता है दोस्तों। यहाँ से तार आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस बोर्ड की मैं खासियत बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें कनेक्शन करने के पश्चात यहाँ से भी तार निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और दोस्तों यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी, यानी चारों तरफ इसमें तार या वायर निकालने का रास्ता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस बॉक्स को अलग कर देते हैं दोस्तों और कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो पेच टाइप में आपको देख रहे होंगे, ये हैं टर्मिनल है दोस्तों, इनमें ही कनेक्शन आप हमको करना है। तो दोस्तों, 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्मिनल। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 5 टर्मिनलों में कैसा कनेक्शन करना होगा। तो दोस्तों, ये जो 5 टर्मिनल है, इनमें के 4 टर्मिनल में ही कनेक्शन होगा। दोस्तों, ये जो टर्मिनल है इसमें कनेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 1 वे स्विच का जो नीचे का टर्मिनल है, इसका कनेक्शन हमको 5 पिन सॉकेट के बाएं टर्मिनल में करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक वायर ले लेते हैं, इसके नाप का एक वायर ले लेते हैं दोस्तों, जिससे कनेक्शन हम कर सकें। दोस्तों, इसके लिए हमने एक वायर ले लिया नाप का। दोस्तों, हम इसमें कर देते हैं। तो दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, जिससे आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों, ये हमने कनेक्शन कर दिया। और दोस्तों, दोबारा देख देख लो, ये एक ओपन फिटिंग का बोर्ड है दोस्तों, पावर बोर्ड का कनेक्शन, पावर बोर्ड है, इसका कनेक्शन हमको करना है। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन किस प्रकार करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो 1 वे स्विच का नीचे का टर्मिनल है, उसका कनेक्शन हमने 5 पिन सॉकेट के बाएं टर्मिनल से कनेक्शन कर दिया। और दोस्तों, अब हमको कनेक्शन करना होगा। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक ही कनेक्शन होता है, और जो पावर बोर्ड में एक ही कनेक्शन होता है जो 2 टर्मिनल आपस में जुड़ते हैं। और दोस्तों, जो 2 टर्मिनल है, एक तो ऊपर का टर्मिनल और एक दाएं टर्मिनल, इसमें जो एक तो इसमें से एक वायर निकल जाएगा बाहर, और एक तार इसमें से बाहर निकल जाएगा। लाइट के जो दो तार होंगे वो इसमें से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले इस जो ये टर्मिनल है 1 वे स्विच का, इसमें से हम एक वायर बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, एक तार इसमें से बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दोबारा मैं कह देता हूँ दोस्तों, प्लीज़ जो भी दोस्त हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या वीडियो को अब नए एक पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। अब दोस्तों, जो इस ये टर्मिनल है, इसमें से हमको एक बाहर वायर निकालना होगा। तो दोस्तों, उसके लिए हम कनेक्शन कर देते हैं।
दोस्तों दोबारा देख लो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, किस नाप का हमने वायर ले लिया। तो दोस्तों सबसे पहले हमने वन वे स्विच का नीचे का टर्मिनल का कनेक्शन हमने 5 पिन सॉकेट के बाएं टर्मिनल से कनेक्शन किया, और दोस्तों बाद में हमने एक तार तो इस टर्मिनल से बाहर निकाला लाइट का, और एक तार यहां से लाइट का बाहर निकाला जो 5 पिन सॉकेट का दाएं टर्मिनल है। तो दोस्तों दोबारा बता देता हूं मैं आपको, तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों आगे भी मैं आपको एक एक नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।